डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमारे देश की डेमोक्रेसी का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है, यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल डिफाइन करता है। लेजिस्लेचर्स का फिक्स टेन्योर होता है और इलेक्शंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का सबॉर्डिनेट नहीं होता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अलग है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है। इंडिया एक रिपब्लिक है और कोई भी अथॉरिटी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर इंडिया की सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। हमारे संविधान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल डेमोक्रेसी भी प्रॉमिस की गई है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बनाते हैं। हमारे देश में मोनार्की का बहुत पुराना ट्रेडिशन था। कुछ मोनार्क समझदार और अच्छे थे और कुछ क्रूर और निर्दयी थे। मोनार्की में सक्सेशन हेरिडिटी के द्वारा होता था। मुगल एम्पायर के अंत होने के बाद टर्बुलेंस का एक लंबा पीरियड रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए ब्रिटिश क्राउन को देश का पूरा इंपीरियल कंट्रोल सौंपा गया। उस समय इंडिया में कोई पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन की सारी मशीनरी ब्यूरोक्रेटिक थी और उसका इंडिया में पब्लिक ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं था। '61 में गवर्नमेंट में थोड़ा सा पॉपुलर एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अनुसार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा नॉमिनेट होने थे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लोकल बॉडीज द्वारा नॉमिनेट होने थे। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन सोसाइटी के नेटिव एलिमेंट्स को गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देने का मौका मिले।
1909 के मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स में ये प्रोविजन था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कोई ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं होगी। सेंटर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। के एक्ट में पहली बार मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने बहुत सारे चेंजेस किए। इंडियन लेजिस्लेचर को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और बाइकैमरल बनाया गया। इसमें 60 मेंबर्स का अपर हाउस, जिसमें से 34 मेंबर्स इलेक्ट होने थे, और लोअर हाउस में 144 मेंबर्स थे, जिसमें 104 मेंबर्स इलेक्ट होने थे। इसमें वोटर्स कम्युनल और सेक्शनल बेसिस पर अरेंज थे। ऐसा क्यों है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इस सवाल का एक सिंपल जवाब हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कई देशों ने डेमोक्रेसी का चुनाव किया और थोड़े समय बाद डिक्टेटरशिप पर वापस आ गई। डेमोक्रेसी का आइडिया अभी सारे देशों में नहीं फैला है। मिडल ईस्ट के बहुत सारे देशों में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर मोनार्कियल रूल है। हमने देखा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक ही समय में आजाद हुए। इस बात का सिंपल आंसर नहीं हो सकता कि इंडिया में डेमोक्रेसी कामयाब रही है, जबकि पाकिस्तान में मिलिट्री का जनरल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स या तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं या इसे रोकने का काम करते हैं। पाकिस्तान में अभी भी लैंड ओनरशिप का फ्यूडल सिस्टम है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ही जमींदारी अबॉलिश हो गई थी। डेमोक्रेसी के ज्यादा सर्वाइवल का चांस एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है। डेमोक्रेसी एक फ्यूडल सोशल ऑर्डर के मुकाबले एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादा सरवाइव करती है। इंडिया ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन चुना, जबकि पाकिस्तान एक थ्योरेटिक स्टेट है। इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स बहुत मजबूत हैं। पार्ट 2।
पूरी दुनिया में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी अफेक्ट हुआ है। फ्रांस में इकोनॉमिक रीजंस की वजह से मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया। एशिया और अफ्रीका में, जहां बहुत सारे देश इंपीरियलिस्ट कंट्रोल में थे, यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद डीकोलोनाइजेशन हुई। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सोवियत कंट्रोल से बाहर आईं। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी उन्हीं देशों में बनप पाई जहां लोकल कंडीशंस इसके लिए सपोर्टिव हैं। क्या जो देश डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फॉरेन कंट्रीज द्वारा मदद मिलनी चाहिए? जिस देश की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो, उस देश में फॉरेन इंटरफेरेंस किस हद तक होनी चाहिए? क्या ये सही होगा कि एक देश जिसमें डेस्पोटिक रूल हो, वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए और डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाए? मॉडर्न वर्ल्ड में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इन इश्यूज के ऊपर पब्लिक ओपिनियन वाइडली डिवाइडेड है। बहुत सारे देशों ने यूएसए का साथ दिया जब यूएसए ने इराक के डिक्टेटर को ओवरथ्रो किया। लेकिन अपने ही देशों में एलाइज को एक्सटर्नल इंटरवेंशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन झेलने पड़े। ऐसे मूव्स हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए नहीं होते। जैसा कि इराक के केस में हुआ, ये वाइडली सस्पेक्ट किया जाता है कि यूएस ने मिडल ईस्ट के ऑयल पर कब्जा करने के लिए इंटरवेंशन की। ऐसी इंटरवेंशन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती है। अगर एक जगह मिलिट्री डिक्टेटर को हटाकर फॉरेन गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी जाए, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि एक देश अपनी बाउंड्री के अंदर तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन बाहर वो अनडेमोक्रेटिक है। जब डेमोक्रेसी लोगों के ऊपर थोपी जाती है, तो उससे सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स आ पाती हैं। लास्टिंग डेमोक्रेसी वही पॉसिबल है जहां ये एक स्ट्रगल के बाद स्थापित हो जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स शामिल हों। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका कोर कंटेंट है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिनके अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स हैं। लोगों के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का राइट होना चाहिए। ये राइट लोगों को पीरियोडिकली मिलना चाहिए
ताकि लोगों के पास अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करने का मौका हो। इन कोर कंसिडरेशंस के अलावा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री टू कंट्री अलग होता है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जबकि यूएस में बस दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जिस एज पर सिटीजन्स वोट के लिए एलिजिबल होते हैं वो सारी डेमोक्रेसीज में सेम नहीं है। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस होता है, बहुत सारे देशों में अल्टरनेटिव सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। ब्रिटेन में जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उनको स्टेट से सपोर्ट मिलती है, लेकिन इंडिया में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वालों को फिनेंसिंग प्राइवेट पार्टी सोर्सेस से मिलती है। इसलिए कोर कंटेंट सेम होते हुए भी देश के अलग अलग हिस्सों में डेमोक्रेसी ने अलग अलग फॉर्म्स ली हैं। डेमोक्रेसी पार्ट वन। नेशनल लेवल्स पर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल डेमोक्रेसीज छोटे देशों को बराबर नहीं समझ रही। यूनाइटेड नेशंस में अभी भी वीटो में बहुत सारी पावर्स वेस्टेड हैं। ये देश अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि 1945 के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वीटो डेमोक्रेसी का एंटी थीसिस है। फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी वीटो का अधिकार 5 देशों के पास है। जापान, जर्मनी और इंडिया अब वैसे नहीं है जैसे 60 साल पहले थे जब यूएन बना था। फिर भी वर्ल्ड पावर्स इस चेंज को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ऐसी इनइक्वालिटी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMO की वर्किंग में भी देखी जा सकती है। इस फंड के 173 मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स नहीं है।
मेजॉरिटी वोट्स उन देशों के पास हैं जो इंटरनेशनल एजेंसी को ज्यादा फंड्स देती हैं। इन देशों को G8 कंट्रीज कहते हैं और इनमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यूके, यूएसए, रशिया और फ्रांस हैं। पार्ट टू। वर्ल्ड बैंक भी पूरे तरह से डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन नहीं करता। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इनवेरिएबली यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट होता है। ऐसे नॉमिनेशंस डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू के अगेंस्ट हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपेरेंटली डेमोक्रेटिक मैनर में फंक्शन करती है। लेकिन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, इनके अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स ऐसे डिसीजंस करवाते हैं जिनसे इनके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। यूएस चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट्स उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए खुले हों। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज से मोबिलिटी ऑफ लेबर को सिमिलर फ्रीडम नहीं देता। ग्लोबल डेमोक्रेसी अभी भी एक सपना है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अभी इंटरनेशनल फोरम्स पर डेमोक्रेसी को अपनाने का कोई इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है। इस समय वर्ल्ड अरीना में यूएस अकेली सुपर पावर है। जहां पर इनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर यूएस यूनिलैटरली एक्ट करता है। ये कोई भी ऐसा सजेशन नहीं मानते जिसमें इनके अपने लोगों के लाइफस्टाइल्स कॉम्प्रोमाइज हों। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ये दूसरे देशों पर प्रीएम्प्टिव अटैक्स करती हैं। यूएसए दूसरी डेमोक्रेसीज पर ऐसे अटैक्स अलाउ नहीं करेगा। यूएस आर्मी अफगानिस्तान और इराक जा सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चलने वाले टेररिस्ट कैंप्स को अटैक नहीं कर सकती। बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी को अपनी जड़ें जमाने में कई सौ साल लगे। अगर
अभी ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी आने में बहुत समय लगेगा।